आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक गंभीर विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जहां पर सेना के लिए हथियार बनते हैं और जिनका इतिहास आज का इतिहास नहीं है, 220 साल पुराना इतिहास है। ऐसी तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जहां पर गोला बारूद तोप टैंक से लेकर सेना के लिए उपयोग आने वाली तमाम सामग्री तमाम हथियार बनते हैं, ये सरकार बेचने की तैयारी कर रही है। मोदी जी की सरकार हर चीज बेचना चाहती है, रेल बेचना चाहती है, सेल बेचना चाहती है, कोल बेचना चाहती है, सड़क बेचना चाहती है, बिजली बेचना चाहती है, पानी बेचना चाहती है, LIC बेचना चाहती है, बैंक बेचना चाहती है, स्टेडियम बेचना चाहती है, BPCL बेचना चाहती है, पूरा हिंदुस्तान बेचना चाहती है। और इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई है, 6 लाख करोड़ रुपए देश की संपत्तियां बेचकर अर्जित करने की योजना मोदी सरकार की है। अब इसी क्रम में भारत की एक महत्वपूर्ण कंपनी, सरकारी कंपनी जिस पर अशोक का लाट लगा रहता था, आज उनका निगमीकरण किया जा रहा है। 7 निगमों में 41 हिंदुस्तान की आयुध फैक्ट्रियों को, 41 हिंदुस्तान की हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनियों को डाला जा रहा है, उनका निगमीकरण किया जा रहा है। और नाम क्या दिया जा रहा है मोदी जी के द्वारा? बहुत चालाकी करते हैं मोदी जी कोई भी काम करने के पीछे। जब वो नोटबंदी करते हैं तब भी उसको जोड़ देते हैं कि हम काला धन लाएंगे, आपका देश तरक्की पे जाएगा, बहुत कुछ होगा। जब वो देश के अंदर जब GST का बिल लाए थे, आपको याद होगा, तब उन्होंने कहा था आधी रात को आपको आजादी देने जा रहे हैं। और जब इन सरकारी हथियार बनाने वाली कंपनियों को निगमों में विभाजित करने जा रहे हैं तो नाम दे रहे हैं कि हम राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। यह बड़ी हास्यास्पद बात है। जो कंपनियां 62 में, 65 में, 71 में, 99 में, कारगिल युद्ध के समय में, हर मुसीबत के समय में देश की सेना के साथ खड़ी रही, जो हथियार बनाने वाली कंपनियों ने समय समय पर देश की सेना को युद्ध के दौरान, जंग के दौरान जरूरत के सारे हथियार मुहैया कराए, गोला हो, बारूद हो, टैंक हो, हथियार हो, सब कुछ उपलब्ध कराया, आज उन कंपनियों को कहा जा रहा है कि हम राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। जैसा मालूम पड़ रहा है कि मोदी जी ने इसको कल बनाया और कल ही उसको समर्पित करने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक मजाक है। किसी भी चीज के आगे राष्ट्र लगा दो, राष्ट्र को समर्पित लगा दो और उसका फिर व्यापारीकरण करो, निगमीकरण करो, उसको बेचने की तैयारी करो, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को लाओ, उसमें निजी कंपनियों को लाओ, उसके शेयर बेचो और धीरे धीरे करके इन कंपनियों को बेच दो। ये मोदी जी की योजना रहती है। 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। अगर हम इन तमाम सरकारी हथियार बनाने वाली कंपनियों की संपत्ति का आकलन करें तो लगभग 62,000 एकड़ जमीन और 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। धीरे धीरे करके इसको बेचने की तैयारी है। हम सबको समझना होगा, जागना होगा कि क्या यह देश ऐसे ही बिकता रहेगा, क्या यह देश ऐसे ही बर्बादी की कगार पे पहुंचता रहेगा, क्या इस देश की तमाम मुनाफे वाली कंपनियों को निजी हाथों में बेच दिया जाएगा और सबके पीछे राष्ट्र का भला, देश का भला जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके आपको और हमको मूर्ख बनाया जाएगा। इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.